आपके साथ मैं हूं अनुजा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि फरवरी में ये मतगणना शुरू होंगे और 10 मार्च को इसके परिणाम आएंगे। लेकिन इस बीच बता दूं कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ दिनों पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर बात नहीं बनी और इसी वजह से वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सके हैं। हालांकि बता दें कि इसमें अब प्रशांत किशोर की तरफ से भी प्रक्रिया आ गई है। प्रतिक्रिया में प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का सबसे मजबूत पार्टी बनाया जाए, इसी वजह से वो चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी में जुड़े। लेकिन उसके बाद से लगातार अब ये बातें सामने आई है कि वो कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने रणनीति भी बना दी थी और पूरी तरह से रणनीति भी तैयार की थी, लेकिन ऐन मौके पर कुछ बातें नहीं बनी, इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए। हालांकि ये बता दें कि ना तो प्रियंका गांधी की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि प्रशांत किशोर पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, और ना ही प्रशांत किशोर ने ये बातें कही हैं कि किन मुद्दों पर बात नहीं बनी और जिस वजह से प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए। देखिए इस रिपोर्ट में कि प्रशांत किशोर ने और क्या क्या बातें कही है। एक समय चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें जोरों पर थी, लेकिन कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच सहमति नहीं बन पाई और पीके ने कांग्रेस के साथ जाने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर का कहना है कि लगभग 5 महीने की चर्चा के बाद कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत विफल हो गई। क्या 2024 में भाजपा को हराया जा सकता है? एक टीवी चैनल से बात करते हुए इसको लेकर भी उन्होंने अपना प्लान बताया था। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में बताया था कि 2024 में भाजपा को हराना संभव है, लेकिन क्या मौजूदा विपक्ष के साथ भाजपा को हराना संभव है? शायद नहीं। मैं एक विपक्षी मोर्चा बनाने में मदद करना चाहता हूं जो 2024 में कड़ी टक्कर दे सके। प्रशांत किशोर का कहना है कि यह पूरी तरह संभव है, भले ही अगले महीने कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में ना आए। उन्होंने कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पाने को लेकर कहा है कि दोनों पक्षों को लेकर साथ काम करने के लिए विश्वास की जरूरत है, कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा ने हिंदू राष्ट्रवाद और जन कल्याण को मिलाकर एक बहुत ही प्रभावशाली चेहरा लोगों के सामने पेश किया और इस सम्मोहन को तोड़ना है तो कम से कम इन तीनों में से 2 पर विपक्ष को जीत हासिल करनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है और उसकी विचारधारा भी अच्छी है, कांग्रेस के बिना एक मजबूत विपक्ष की परिकल्पना संभव नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की मदद करने के अपने प्रयासों का बचाव करते हुए, जिसे कई लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हटाने के लिए एक मिशन के रूप देखते हैं, प्रशांत किशोर का कहना था कि यह बदला नहीं था। पीके ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी से बदला लेने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे लगता है कि हमारे देश में मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। एक विचार के रूप में कांग्रेस को कमज़ोर नहीं होना देना चाहिए था और यह लोकतंत्र के हित में है। वहीं बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन ये बात अटक गई और प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सके। लेकिन इसको लेकर अब प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने भी कहा था कि कुछ ऐसी बातें थे जो वजह से उनका नहीं हो सका गठबंधन और वो पार्टी में शामिल नहीं हो सके। देखिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ऐसा करने के लिए विपक्षी मोर्चा बनाने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन बता दें कि उन्होंने कहा है कि उन करीब 200 सीटों का भी जिक्र किया है जिन पर बीजेपी कांग्रेस के बीच
करीबी लड़ाई देखी गई थी। उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर कहा है कि हो सकता है कि बीजेपी इसे जीत ले और फिर 2022 में हारे। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी जो बीजेपी को हराना चाहे उसके पास कम से कम 5 से 10 साल का विजन होना चाहिए, यह 5 महीने में नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति नहीं, हमारे देश में मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए उत्तर और पश्चिमी की 100 सीटें जीतना जरूरी है। मैं 2024 के लिए एक विपक्षी मोर्चा बनाने में मदद करना चाहता हूं, जो 2024 में मजबूत लड़ाई दे सके। अगर आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की करीब 200 सीटें भी जीत ले, तब भी आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर बीजेपी 50 और सीट्स जीतने में सफल होगी, बाकी की 350 सीटों पर बीजेपी स्वीप कर रही है। ऐसे में इंटरव्यू के में साफ कहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को काफी मानते भी हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी का भी जिक्र किया था। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भले ही कांग्रेस में जाना चाह रहा था, लेकिन मेरी और उनकी सोच नहीं मिल पाई। करीब 5 और 6 महीने तक कांग्रेस से बातचीत हुई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। टीएमसी को लेकर पीके ने कहा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी अब पश्चिमी बंगाल से बाहर निकलना चाहती है, जो देश भर में अपना संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी के साथ आईपैक काम करता रहेगा। बता दें कि आईपैक प्रशांत किशोर की ही कंपनी है, जो चुनावी रणनीति बनाने का काम करती है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर कई पार्टियों के लिए रणनीति बना चुके हैं और अभी प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार करते हैं। वहीं बता दें कि इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, तो उस वक्त भी देखा गया था कि बीजेपी की तरफ से कैसे सर्वे किए जा रहे थे और जिसमें बीजेपी को लेकर जीत की दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार की और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत सुनिश्चित हो सकी। एक बार फिर से प्रशांत किशोर चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार अपने बयान भी जारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले देखा गया था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ये बात बताई थी कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन कई चीज़ों पर बात नहीं बन सकी, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सके। जिसके बाद अब प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने भी ये बात बताई है कि आखिर वो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सके। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SBN 9 News के साथ।